नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा के मोहाली में दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या को 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस विक्की के हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में विक्की के परिवार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। विक्की के बड़े भाई अजय पाल सिंह अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है। मिड्डू खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मर्डर का फुटेज होने के बावजूद पुलिस अभी तक मामले में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके भाई की हत्या किसने और क्यों करवाई थी। बहुत ही माड़ी गल है, जेड़ा आज तक सानू बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है ये कि 6 महीने हो गए, 180 दिन हो गए, अज तक किसी ना तो शूटर नू अरेस्ट किया गया जी। 2 शूटरों की आइडेंटिफिकेशन क्लीयर है, जो वीडियो हैगी है, वीडियो के क्लीयरली उन्होंने जोड़ा भी वाकया किया है वो सारा वीडियो के कैप्चर्ड है, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन क्लीयर है। क्यों नहीं अरेस्ट हो रही, ना तो कोई अरेस्ट हो रही है, ना ही इस चीज़ के पिछले कोई मोटिव का पता चल रहा है। बिकॉज मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा अज की डेट च भी इसका मोटिव किया जाए, तो बंदे अरैसट किए जाने जी। 6 महीने हो गए अरैसट करना की मुश्किल है, क्योंकि जे पुलिस किसी होर मैटर के जिमें कि मैं पहला कॉन्फ्रेंस के भी आख्या भी लुधियाना बॉम्ब कांड के पांच दिन के बंदा आइडेंटिफाई हो गया तो सारा केस क्रैक हो सकता है। तो वाय नॉट विक्की मिड्डू खेड़ा का, इज देयर एनीथिंग भी कोई चीज़ बॉदर कर रही है, या कोई चीज़ नपी जा रही है, या कोई एविडेंस न इधर उधर किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज इट। वहीं विक्की के भाई अजय पाल ने आरोप लगाए हैं कि उनके भाई की मौत के मामले में कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही पंजाब के राज्यपाल बीएल पुरोहित से मिलेंगे और सीबीआई जांच की मांग रखेंगे। उन्होंने सियासी लीडर्स को भी उनके साथ खड़े होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों को भी साथ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मांग की है कि बिना किसी देरी से केस की जांच सीबीआई के हवाले की जाए। बता दें कि अगस्त 2021 को मोहाली सेक्टर 71 के एक पार्किंग एरिया में शार्प शूटर ने रेकी कर विक्की की हत्या कर दी थी, लेकिन अभी तक विक्की के कातिलों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 ने महिला से स्नैचिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने स्नैच किए गए सामान को भी बरामद किया है। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 20 मार्केट के पास एक बुजुर्ग महिला से पर्स स्नैचिंग का मामला सामने आया था। महिला के पर्स में मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे थे। क्राइम ब्रांच इंचार्ज अनंत राम ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अमरजीत सिंह पंजाब के बल्टाना का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है और साथ ही स्नैचिंग किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ये 26 जनवरी को जो है एक जसविंदर कौर जो है महिला, बुजुर्ग महिला से जो है इसने पर्स स्नैच किया था अपना 20 सेक्टर 20 की मार्केट के पास टी पॉइंट के पास से। तो उसमें जो है उसके जो है पर्स के अंदर डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट जो है, उसके 2 मोबाइल फ़ोन और करीब जो है 12-13 हज़ार रुपये उसमें पर्स में थे। तो उसके मोबाइल जो थे उनको जो है साइबर सेल की इमदाद से जो है वो सर्चिंग पे लगवाया हुआ था और जो है उसके आधार पे कल जो है ये जो स्नेचर जो है इसका नाम है अमरजीत सिंह उर्फ करमन पुत्र गुरनाम सिंह बल्टाना पंजाब का रहने वाला है, जो है इसको गिरफ्तार किया है और उससे जो स्नेच किया गया है मोबाइल जो है सैमसंग का बरामद किया जा चुका है और अभी आज इसको माननीय अदालत में पेश करके जो है इसका रिमांड हासिल करके आगामी जो है अन्य वारदातों के बारे में और जो है इस मुकदमे की रिकवरी की जाए। तो लगता है सर कुछ और वारदातें भी सुलझ सकती हैं पंचकुला में जो स्नैचिंग हुई है? हाँ, अभी जो है इससे गहनता से पूछताछ जारी है, एक दो जो वारदात अगर इसने और की है तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। बहरहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं पुलिस को पंचकुला में हुई अन्य स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में हरियाणा के सीनियर आईपीएस की पत्नी के खिलाफ दर्ज 0 FIR की जांच पंचकुला पुलिस के पास पहुंचने पर इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज 0 FIR और केस को हरियाणा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि सीनियर आईपीएस की पत्नी ने घर की मेड के साथ बुरी तरह मारपीट की
और उन्हें सैलरी भी नहीं दी। साउथ दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था, लेकिन अब हरियाणा की पंचकुला पुलिस मामले की जांच करेगी। मेड का आरोप है कि दिल्ली की एक मेड उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी से उसे उनके पास काम करने भेजा गया था। इसके बाद उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। सैलरी मांगने पर सैलरी भी नहीं दी गई, जिसके बाद वो किसी तरह भागने में कामयाब रही और पुलिस के पास पहुंचकर इस बारे में सूचना दी। जीरो एफआईआर जो है वो डीसीपी साउथ के माध्यम से यहाँ पे रिसीव हुई थी। हमें परसों देर शाम जो उस पर परसों रात तक अभियोग दर्ज कर दिया गया था, जो जीरो एफआईआर थी, एफआईआर नंबर 41। और उस संबंध में जो पीड़िता के बयान दर्ज करने और उसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कंसर्न्ड एसएचओ और पुलिस थाना से मुलाजिम हैं वो पीड़िता के एड्रेस पे गए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे की जा सके। बहरहाल मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के बयान दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने के लिए जांच कर रहे थाना प्रभारी पीड़िता के एड्रेस पर दिल्ली गए हैं। ऐसे में देखना होगा जाँच के बाद मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम होने के बाद बंद पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है। कोरोना पाबंदियों के चलते लगभग एक महीने बाद बर्ड पार्क को लोगों के लिए खोला गया है। कई दिनों से बर्ड पार्क बंद होने के कारण पर्यटन काफी निराश थे, लेकिन शनिवार को जैसे ही बर्ड पार्क को खोला गया तो यहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचे। बर्ड पार्क में पर्यटकों का हजूम उमड़ रहा है। बर्ड पार्क पहुँचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यकीन मानिए, महज एक महीने में 70,000 से अधिक पर्यटक बर्ड पार्क देख चुके हैं। सप्ताह में दो दिन बर्ड पार्क बंद रहता है। 16 नवंबर को उद्घाटन से अब तक 70,000 से अधिक पर्यटक बर्ड पार्क देखने आ चुके हैं। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक और चीज ऐड की गई है चंडीगढ़ में, जो आई बिलीव टूरिस्ट को भी बहुत अच्छी लगेगी। हमें तो अच्छी लगी है, हम चंडीगढ़ से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे ऐसा लगा कि हमें बच्चों को एक नई चीज़ दिखाने को मिली है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट टू चंडीगढ़ एंड आई थिंक नाउ चंडीगढ़ तो अब इंडिया में इट विल बी ऑलवेज फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी आई थिंक। एंड आई लाइक टू थैंक टू ऑल द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड द लाइसर, वेल डन, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज रियली अ नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा है क्योंकि एक्चुअली मैं वैसे चंडीगढ़ से ही हूँ, मोस्टली मैंने सारा चंडीगढ़ घूमा है, बट ये बहुत अच्छा प्लेस नया खुला है। यहाँ पे बर्ड्स है, मतलब हमें अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिल रही है जो हमने देखी भी नहीं है। हम लोग अभी तक जैसे टीवी, व्हाट्सएप, इनकी मतलब फेसबुक पे देख रहे थे, बट यहाँ आके मतलब नेचर को देखना, खुद लाइव में एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर चीज़ को बहुत पास से देख रहे हैं। हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया है। हम लोग उत्तराखंड से आए यहाँ पे, यहाँ में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज वगैरह और बहुत ही वातावरण और झरने वगैरह बहुत ही अच्छे लगा हमको यहाँ पे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने बर्ड पार्क का उद्घाटन किया था। उन्होंने पूरे बर्ड पार्क को खुद देखा भी था। उसके बाद से ही बर्ड पार्क को देखने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। वहीं कोरोना पाबंदियां हटने के बाद बर्ड पार्क पर फिर एक बार रौनक लौट आई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग लेकर युवा क्रिकेटर राज आनंद बाबा और यूटीसीए की ओर से खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी अनूर सिंह पन्नू अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर दुनिया भर में छाए हुए हैं। इस स्टेडियम में कई और ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर कोच सुखविंदर सिंह बाबा और यूटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोच संजीव पठानिया युवा क्रिकेटर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं।
खास बात यह है कि चेन्नई की एमआरएफ एस फाउंडेशन में सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे दो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। इनमें मोहम्मद असद और शहबाज सिंह शामिल है। शहबाज की पैनी और स्टीक बॉलिंग देखकर सीनियर कोच सुखविंदर बावा ने उनके नाम की सिफारिश की है। फाउंडेशन की ओर से आईपीएल मैचों के प्रैक्टिस सेशन में इन बॉलर्स से आईपीएल प्लेयर्स को बॉलिंग करवाई जाती है, वहीं इनमें और निखार लाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में कोई भी फ्रेंचाइजी उन्हें पिक कर सकती है। चंडीगढ़ में टोटल 5 एज कैटेगरीज हैं जिनके अंदर 80 प्लेयर जो हैं वो इस साल पार्टिसिपेट करेंगे या करते हैं, क्योंकि पहले तो 15 की टीम होती है लेकिन अब 20 की टीम जाती है कोविड करके। तो रफली हमारे 80 में से 60 बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर से होते हैं। बच्चे तैयार हो रहे हैं अंडर 16 से लेकर और रणजी ट्रॉफी तक हम सारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अभी भी क्रिकेट जैसे ख़त्म हो गई है, रणजी ट्रॉफी की टीम चली गई है, तो हमारे दो बच्चों को एमआरएफ फाउंडेशन से कॉल आई है, फास्ट बॉलर्स को, उनके ट्रायल लेंगे और उनको आईपीएल के जो नेट्स हैं जो भी टीम उनको बुलाएगी वो उनकी वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है उन बच्चों के लिए। दरअसल मोहम्मद असद ने कूच बिहार ट्रॉफी में 4 मैचों में 25 विकेट लेकर सनसनी फैला दी थी। इनमें 3 मैचों में 5-5 विकेट हासिल किए थे। वहीं दूसरी ओर शहबाज सिंह अंडर 25 टीम के लिए सिलेक्ट हो गया था, मगर वो टूर्नामेंट किसी कारण से लंबित हो गया था। इसके अलावा ऐसे कई और खिलाड़ी यहाँ तैयार हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कहाँ थे चंडीगढ़? आप 112 में फोन किया था? हाँ कर दे। कहाँ, क्यों किया आपने? मैंने जी यही कर रखा है, गड्डी नहीं एक्सपायरी थी आपकी कहीं दिनों जी। क्यों? जो 5 बजे आवा थी। अच्छा। और वो आई नहीं रही थी जी। अच्छा। प्रॉब्लम थी जी। अच्छा। फिर मैं क्या देखा अभी काम करा कि नहीं, आती है गड्डी है जी इस कर का ही। अच्छा अच्छा। अभी पुलिस मैं बुलाऊंगा तो आओगे कि नहीं आओगे? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं टपरिया गांव का रहने वाला जी। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं ऐसे ही घूमने गया था जी। अच्छा, शराब कहाँ पी है जी? शराब कहाँ पी आपने? शराब तो नहीं पी है, बियर पी थी। कहाँ पी थी बियर? बियर जी मैं एक घंटा आधा घंटा पहले पी ली थी जी। तो फिर ये क्या परीक्षा ले रहे पुलिस की, अभी 112 आओगी कि नहीं आओगी? अपने टाइम पर जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ आओगे अपने आप। क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत क्या आपने कोई दिक्कत हुई? पहला गड्डी आवाज ले रही। इस टाइम क्या दिक्कत है आपकी? इस टाइम तो जी मैं चल लग रहा था। हाँ। तो मैं कहा चल देखा भी कॉल कर रही काम करते कि नहीं कर। अच्छा, इसलिए बुलाया आपने हमें? ये तो 12 बजे रही, 12 बजे क्या आप जरूरी सर्दी में कहाँ घूम रहे? हाँ जो बनाते रही हो आप जो जी हम जो आपकी गड्डी आवा थी जो पहला जी ना बड़ी तबी है आवाज जावा लग रही थी। अच्छा। अरे कई दिन थी आन जान लग रही थी, वो क्या बात है? क्यों आप इसी ने देखा 112 है लेकिन नहीं है, वो काम नहीं है कोई? शराब कितनी पी आपने? कितनी बोतल पी आपने शराब की जी? मैंने 3 बीरा पी ली। 3 बीरा पी ली कहाँ? यही उसके बाद आपने ना उरा भी पी है? 3 बीरा भी नहीं पी है जी, ये तो मैं ऊपर गया हुआ था मोरनी के परा जी। अच्छा, उसके बाद उसमें देखिए आपने भी अपना गड्डी तो गड्डी आएगी आपने? ठीक लगा जी, तो याद आएगी जी। अच्छा, 112 याद आएगी? हाँ। अभी वो लाल लाल सी गड्डी नहीं आई पीने के बाद? ना ना, वैसे तो कई दिनों जांच रहा था जी, टीका तो बंदा कह भी थे। अभी क्या दिक्कत है आपकी? आपने अभी किस लिए बुलाया हमें? क्या अब क्यों बुलाया यहाँ? ये चेक करने के लिए कि पुलिस आ रही की नहीं आ रही, बस मेरी बात यही है। ये पुलिस आएगी, आपने बुलाया ना पुलिस? संतुष्ट है आप इससे? कोई और कोई? ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक बार फिर वही गुजारिश कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, कोरोना से खुद भी बचें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी बचाएं। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर, तब तक आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।